शेष है उनके पास। अभिषेक, आज शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने शिक्षा के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया है, जिसमें ओडिशा के पुरी जिले के शिक्षक ईश्वर चंद्र नायक भी शामिल हैं। इस पर प्रस्तुत है ये रिपोर्ट। जो हर अक्षर हमें उंगली पकड़कर सिखाते हैं, हर शब्द का अर्थ बताते हैं, कभी प्यार से कभी डांट फटकार कर हमें जीवन के मायने समझाते हैं, हमारी खुशी पर उत्सव मनाते हैं और दुखी होने पर उदास हो जाते हैं, उन शिक्षकों तथा गुरुओं के सम्मान स्वरूप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश भर के 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। उनमें से एक पूरी जिला में स्थित कननपुर सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक ईश्वर चंद्र नायक को भी राष्ट्र शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार ग्रहण करने के बाद आकाशवाणी समाचार से बातचीत कर उन्होंने कहा, उनके विद्यार्थी ही उनका जीवन है, उन्हें छोटे छोटे बच्चों से बहुत प्रेरणा मिलती है। अपने विद्यालय में शिक्षा दान के साथ श्री नायक बच्चों को गाँव में मुफ्त में कम्प्यूटर भी सिखाते हैं। इस पर वो कहते हैं, ऐसे सम्मान से शिक्षकों का मनोबल है। मैं बच्चों को पढ़ना उनको जैसे बोझ ना लगे हमेशा कोशिश करता हूँ, और बच्चों का जिंदगी में जो काम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, अपने घर में जो एक्टिविटी करते हैं, उसी एक्टिविटी को लेके मैं जब क्लास ट्रांजेक्शन करता हूँ उनको बहुत आनंद आता है, तो जॉयफुल लर्निंग हो जाता है। तो मैं अपने विलेज में कंप्यूटर का मुफ्त शिक्षा देता हूँ, जो फिफ्थ क्लास से ज्यादा जितने बच्चे हैं सारे सीखते हैं, और अगल बगल गांव के लड़के मध्यम भी इस शिक्षा के लाभ उठा रहे हैं। और जो उड़ीसा से एक ही टीचर मैंने इस साल 2022 का जातीय पुरस्कार विजेता के रूप में मेरे को चुना गया है, मैं उसके लिए महामहिम राष्ट्रपति भारत के और प्रधानमंत्री महोदय और उड़ीसा का मुख्यमंत्री और भारत सरकार के शिक्षा मंत्री और उड़ीसा का शिक्षा मंत्री सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी समाचार कटक से मैं इतिश्री सिंह राठौर।